हमारा चांद, क्या है? चांद है। चांद एक सैटेलाइट है ना, नेचुरल सैटेलाइट है, है ना? ये हमारा चांद है कि नहीं? और चांद को तो हम लोग देख लेते हैं, रात में देखते हैं ना, बहुत प्यारा भी लगता है, अच्छा लगता है। हम लोग प्यार से उसको चंदा मामा भी कहते हैं, कहते हैं ना। और छोटे बच्चे चांद को बहुत पसंद करते हैं। तो अभी आपको इस क्लास में बताया गया होगा कि चांद को हम लोग टेलीस्कोप से देखेंगे। क्या जरूरत है टेलीस्कोप से देखने की जब हम ऐसे ही देख लेते हैं? क्यों देखेंगे टेलीस्कोप से? बताएगा, बताएं क्यों? क्योंकि हम जब चांद को देखते हैं ऐसे अपने आंखों से, उसमें काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, देते हैं ना। और हमारे घर के लोग क्या बताते हैं? कोई बूढ़ी दादी बैठी है उसमें, है ना, या कोई कुछ कहता है, चांद में जो है ये धब्बा है, है ना। लेकिन जिस दिन आप टेलीस्कोप से चांद को देख लेंगे ना, उस दिन आपका भ्रम टूट जाएगा और आप अपने घर वालों को भी बता पाएंगे कि चांद में धब्बा नहीं है, गड्ढा है। क्या है? मौका मिलेगा, अब रात को ही देख पाएंगे, दिन को तो देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा गड्ढे दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक ना। और हमारे जो साइंटिस्ट है ना, चांद पर पानी की भी खोज कर लिए हैं। वैसे भी चांद बहुत दूर है ना, 384,000 किलोमीटर दूर है, है ना। अब ये जो है हूबहू प्रिंट करके देता है, ये जो मशीन है 3D प्रिंटर मशीन, ये हूबहू बनाती है, 3D मॉडल बनाती है। ये चांद इसी से बनाया गया है, इसी प्रिंटर से, समझ रहे हैं। अब देखिए जरा इसको, एक गोला वहां पे दिख रहा है, मंगलयान, मंगल ग्रह, है ना। गोल तो वो भी दिख रहा है, गोले भी दिख रहा है ना, लेकिन दोनों में अंतर है क्या? उसका हम एक भाग देख रहे हैं ना सामने से, उसके पीछे क्या है देख पा रहा है, और इसमें सामने से देख लो, इधर से भी देख लो, है ना। ये हूबहू बना के देता है 3D मॉडल, ठीक है ना। ये 3D है और 2D है, समझ आ रही बात।